मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। मेरा पूरा सामान आ चुका है बाहर और मैं वेट कर रही हूँ टीटू भैया का। लेकिन कहीं जाने से पहले थोड़ा बहुत घर का काम भी बनता है। थोड़ा बहुत क्या मतलब, बहुत सारा काम बनता है, तो काम तो करके जाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा मन ऐसा हो रहा है लेकिन काम करना पड़ेगा। तो निकल गए हम लोग, अभी हम कहीं जा रहे हैं, ये है सरप्राइज। तो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आधा शूट हुआ है, आधा नहीं हो पाया था, तो निकल चुकी है हमारी सवारी। कहीं बाहर जा रहे थे तो हवा पानी पेट्रोल वगैरह तब सब करना पड़ता है, तो हम वहीं पर खड़े हुए हैं। अभी भैया गाड़ी के टायरों में पूरी तरीके से हवा को भर रहे हैं और गर्मी कुछ खतरनाक वाली नहीं लग रही। नहीं यार, एसी से तो मेरी एसी की तेजी हो जाएगी। कैसे है चीनू, फिर से बोल। आ रहा लेने, मुझे लेने आ रहा है। आजा आजा आ रहे। मुझे टाइम दिया गया था 10 बजे तक, आप किसी भी हालत में आ जाइएगा, और मैं 12:30 बजे आ रही हूँ, तो पूरा फंक्शन पूरा हो चुका था। मतलब इतनी लेट हो चुकी हूँ मैं कि सब कटिंग शटिंग हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। इधर खाना पीना भी। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते पापा, हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा भाभी जी नमस्ते, नमस्ते भैया, हैप्पी एनिवर्सरी 1 मंथ। मेरा गिफ्ट। ए क्या खा रही है, खीर खा रही है, खा ले। कहाँ है आग बबूला? दीदी मुंह मीठा कर लो। अरे पहले वो कहाँ है? वो उधर है। जा जा जा। मुझे रोटी। ताशा ये ले। ताशी, I love you। कैसे बोलता है I love you के बाद क्या बोलते अपन? हाँ मेरा बेटा। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। तुमको पता है फैमिली सेलिब्रेशन है, मैं देर जरूरी है करती नहीं, और उनकी बड़ी ननद आई नहीं, देर हो जाती है। 10 बजे तक नल चलता है, पानी का काम होता है, धुलाई होती है। भाई की फर्स्ट एनिवर्सरी है, बड़ी नंद है नहीं। हाँ। केक कट गया, शर्म नहीं आई? तो अगले महीने में मना लेंगे बेटा, लेकिन उस समय फैमिली तो हर मंथ में होती है, ऐसा नहीं है, समझ जाना प्लीज। थोड़ा सा भावनाओं को समझो। मैं नहीं समझ सकती। चल आजा, गले नहीं लगेगी? गले नहीं लगेगी? सुंदर लग रही, इसका क्या मतलब है? गले क्यों लगूंगा? गले नहीं लगूंगी? तू भी तो कितनी सुंदर लग रही, बेल्ट वेल्ट लगा के कमर पे। ये क्या पहना तूने? ये ने क्या बांधा कमर में? नहीं अच्छी लग रही, मजाक नहीं उड़ा रही, मजाक थोड़ी उड़ा रही, तू बहुत अच्छी लग रही है। नहीं अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। चलो भैया, शुभम भैया, शुभम भैया, ये देखो मेरी ड्रेस के बारे में क्या ख्याल आते हैं इनके। कैसी लग रही भैया? अच्छी लग रही है? और मेरी हम तो सदा बाहर। शुक्रिया शुक्रिया। हंस रही है मेरे को देख के? बोलिए ना, बेल्ट वेल्ट लगाई? नहीं अच्छी लग रही है। चल जलता है मजनू, जलता है, जलता है मजनू। जेपा किसे ने आज से ना चल रे, चला जा, लगा ले तो लग जा, आ जा। हां मम्मी चीनू मेरे गले लगा तो उसको ये चुभा होगा। देख मैं क्या बोल रहा हूं, मम्मी क्या बनाया? मम्मी बताओ क्या बनाया जल्दी से। कॉफी है। कैन आई टेक वन कुकुम्बर?
नमस्ते चाची। तू चाची को कैसे भूल सकते चाची को? पनीर बनाया है, रायता बनाया है, और क्या बनाया? चटनी बनाई है दो तरीके की, चावल बनाया, रोटी बनाया, और इनमें से मेरे ना कुछ भी नहीं बनाया। वाह यार, बता तो ऐसे रही थी जैसे मैं ए नेहा। अरे इसी में ये खीर तो रह गई, इसी में ये खीर तो मैंने नहीं बनाई। मम्मी इतना सारा मत दो यार। ये खीर के लिए ना, इस खीर के लिए मैं सारी चीजें कुर्बान कर सकती हूँ जो कि हमारी मम्मी बनाती हैं। और सच में इतनी टेस्टी खीर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाई है। मैं तो छेले अच्छा पहले से आते से खाई थी मैंने चाची, पता है? नेहा ये है हमारी भाभी जी। भाभी जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी फर्स्ट मंथ। थैंक यू। आपने पूरा बोला अभी तक, आपने पूरा बोला अभी तक। अच्छी लग रही है हमारी भाभी जी। इसमें और अच्छी लग रही थी, साड़ी पहनी थी मैंने। नहीं इसमें भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप जो पहनती हो उसमें ही अच्छी लगती हो, क्योंकि आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू। आप भी बहुत अच्छी हो। आई लव यू टू। मुझे बुलाया गया था लेकिन हमेशा की तरह मैं इतनी लेट आई। मुझे टाइम दिया गया था 9:45 तक आ जाना, बट मैं आई हूँ 12:30। जब तक यहाँ पर सब कुछ फंक्शन हो गया, सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। क्षमा भाभी एक बार भी तुमको याद नहीं है केक काटने से पहले, है ना? मुझे आपकी इतनी याद आई और मैंने पूछा भी नहीं, रिया जी से पूछी नहीं। तुमने बोला वो लेट हो गई क्योंकि रिया सीता सबकी की पूजा की। ये बात सिर्फ इसी के कारण भाई, बुरा तो लगा रेडी बुरा तो हमको लगा, आप नहीं थोड़ा और मजा आता। लेकिन अरे सुबह अपन ना 8:00 जाएंगे ठीक है? पूरा उसमें निकल रहे हैं, अभी हम कहीं जा रहे हैं, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आवाजें बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है तो ठीक है ना। बाकी अभी हम निकल रहे हैं। देखो मेरी प्यारी प्यारी भौजी, हमारी फर्स्ट ट्रिप है जिसमें हम लोग ऐसे घूमने जा रहे हैं, तो क्या होगा कैसा होगा ये अभी नहीं बताएंगे, बात बताएंगे। हाँ तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। भैया गाना तो गा दो। शुभम भैया गाना आजा मेरी साइकिल पे बैठ जा, भाभी को बोल दो। अरे वो बिल्डिंग वाले मेरे को मार मार के भगा के मैंने गाना गाया क्योंकि ये साइकिल से बदल गई। हां देखो कितने अच्छे से लेके जा रहा है। तू जाके क्यों है उस पे? जाओ ना पीछे देखो ना, बैठो ना। क्या आजा मेरी साइकिल पे बैठ जा। वाह ले ली भैया जिनकी साइकिल थी उन्होंने अपना सामान उठाते हुए बोले कि भैया तोड़ना नहीं है ना पैसा। नहीं मत चलाना मेरे ऊपर, मत चलाना मत चलाए आज। अरे पापा पापा इनको विदा करने आए थे, इनको विदा करने आए थे। मम्मी मम्मी ने अभी खिलाया क्या है? मम्मी मम्मी ने अभी खिलाया क्या है? प्यारी मम्मी ने बहुत प्यारी सी खीर बना के हमेशा। मेरी मम्मी पता है मुझे खीर पसंद है, तो जब जब मैं आती हूँ जब खीर जरूर बनाती है। सच में जब भी मैं आने का मेरे रहता है ना, वो खीर जरूर बना के रखती है। सच में इसने बहुत लेट कर दिया। भगवान का आशीर्वाद ले लिया? यस। अरे नहीं 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 चलो 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 यस। इसको ले, ए तू पैर पड़, यहाँ ये अपने पैर पड़ सकता है अपना भाई। पैर पड़े एनिवर्सरी पे सबके पैर पड़े, किसी के नहीं पड़े। क्या उजड़ तो औलाद है, मैंने पढ़ लिए ना मेरा मेरा बच्चा। वाह यार मम्मी और अरे वाह आगे शादी कर आशीर्वाद। हाँ पैर पढ़ना चाहिए, लड़के तो पढ़ते ही है, लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं।
क्या हुआ देखो, अरे देखो देखो वो अच्छे या पर मुस्कुराते रहना और हमारे साथ ब्लॉग पे बने रहना, ठीक है? ठीक है ना, ठीक है भाभी जी, फिर मिलकर रहना, ठीक है? हाँ, इसको भी सिखाई दिया ना, बन गई ब्लॉगर। अच्छा चल, चैनल को कैसे बोलते सब्सक्राइब करने वाला, जल्दी बोल। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा व्यूज देखिए, हमारी नीतू दी को बहुत सारा प्यार। यहाँ पे बात चल रही है, टीटू भैया की बात हो रही है, जितने गोरा बोरा है उतनी मैं भी हूँ। अरे मेरे गालों के लिए भी तो कोई कुछ नहीं है। जितने गोरा बोरा है उतने मैं भी हूँ, मेरे गालों के लिए भी बोलो, थोड़ा मेरे गालों के लिए भी बोल दो कुछ। दीदी के गाल तो देखो लिपस्टिक लगी, किसका निशान है ये? तूने पप्पी दिया ना, लिपस्टिक लगी है। चलो टाटा, हो गया होगा 8 मिनट मेरे पूरे, हाँ हो गए होंगे जोड़ के। हाँ तो चलो अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहीं जा रहे हैं। कहीं कहाँ? कहीं जा रहे हैं यार, मेरा फोन वहीं जाके आपको पता चलेगा कि हम कहीं कहाँ जा रहे हैं। ठीक है टाटा।